नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना, इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट। यानी कि इस फार्मूले को आप याद रखते हैं, फार्मूला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड गुणे 1.8 धन 32। इस फार्मूले को आप यदि याद रखते हैं तो आप डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें तो आप लोग को पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो मनुष्य के, जो सामान्य मनुष्य का जो शरीर के तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको फारेनहाइट में बदलने के लिए आप उस फॉर्मूले पर रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 1.8, ये डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32। डिग्री सेंटीग्रेड का मेरा वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं 37 डिग्री का जो फॉर्मूला है, 37 मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32। इसको आप फिर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए फिर आप यहाँ देख रहे हैं 37 को 1.8 से मल्टीप्लाई किया गया है, कितना है 296। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट दशमलव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में आपका आया है ये 66.6, उसका वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर 66. प्लस 32 को यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 66.6 प्लस 32 तो आपका आ जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदल सकते हैं। फार्मूला आप एक बार फिर से देख लें, डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.8 प्लस 32, ओके। नेक्स्ट अब बताएंगे आपको कि डिग्री फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं। डिग्री फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड से कैसे बदलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8, ओके। इसका फॉर्मूला क्या है, फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8, इससे आप क्या करेंगे, फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लेंगे। एग्जाम्पल वही है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है फारेनहाइट में वो कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट। इसको सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको सेंटीग्रेड में बदलने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। फारेनहाइट की जो वैल्यू है, ये फारेनहाइट की वैल्यू 98.6 माइनस 32, उसके बाद क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8, ये आपका क्या है 1.8, ओके। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है, कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। यानी कि 98.6 फॉरेनहाइट में मनुष्य का शरीर का तापमान होता है और उसको डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद।